हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं साउथ इंडियन के टॉप 7 ब्लॉकबस्टर मूवीज़ के बारे में, और जो कि बॉक्स ऑफिस पे फायर लगा देंगे और बॉक्स ऑफिस को हिला कर रख देंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। दोस्तों, नंबर 7 पर एजेंट, जो कि इंडिया सिनेमा से आने वाली एक स्पाई थ्रिलर मूवी होने वाली है। ये आखिर की पहली पैन इंडिया मूवी होने वाली है। इस फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है और इसके एक्शन भी काफी अलग लग रहे हैं। वाइल्ड राइड। और इस फिल्म के आकिल एक एजेंट का रोल प्ले करने वाले हैं। आकिल के साथ साक्षी वेदिया रोल कर रहे हैं और इसके डायरेक्टर सुरेंद्र रेड्डी। और इसकी रिलीज डेट जनवरी 13, 2023। नंबर 6 पे दसरा, ये नेचुरल स्टेन की आने वाली पहली पैन इंडिया मूवी होने वाली है, जिस फिल्म को महसूस स्केल पर बनाया जा रहा है और ये फिल्म बड़ा धमाका कर सकता है। और इस फिल्म में नानी काफ़ी मास और एक्शन बैक रोल करने वाले हैं। और जी हाँ, ये एक एक्शन ड्रामा मूवी होने वाली है और इस मूवी में नानी के साथ कीर्ति रोल प्ले करने वाली है। इसके डायरेक्टर श्रीकांत उधेला। इस मूवी का रिलीज डेट 30 मार्च 2023। नंबर 5 पे टाइगर नागेश्वर राव, ये रवि तेजा की पहली पैन इंडिया मूवी होने वाली है, जिसमें टाइगर नागेश्वर राव की कहानी देखने वाली है, जो कि बहुत खतरनाक, बहुत ही नेटोरियल देवता कहानी 1970 में सेट होने वाली है। रवि तेजा के साथ गायत्री रोल प्ले करने वाली है। इसकी डायरेक्टर वैमसी। इसकी रिलीज डेट 2023। और इसमें रवि तेजा काफी उथार टाइप देखने वाले हैं। नंबर 4 पे RC-15, ये एक्टर रामचरण की 15 मूवी आने वाली है। इस लीड एक्टर इस फिल्म की डायरेक्शन, ये एक बिग बजट और पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा मूवी होगी। इस फिल्म की बजट 180 करोड़ है और इस फिल्म में रामचरण के साथ किरारा अडवाणी रोल प्ले कर रहे हैं। इस फिल्म में रामचरण डबल रोल प्ले कर रहे हैं। इसके डायरेक्टर शंकर, जो आप लोग जानते ही होंगे। और इस मूवी का रिलीज डेट 2023। नंबर 3 पे NTR-30, जो RR जैसे ब्लॉकबस्टर और NTR जूनियर की अगली पैन इंडिया मूवी होने वाली है, जो कि एक बड़े एक्शन ड्रामा मूवी होने वाली है, जिस फिल्म को 300 करोड़ के बजट में बनाने वाले हैं। इसके डायरेक्शन देने वाले कोटाला शिवाय के साथ जूनियर NTR ने जनता गैराज की जैसे हिट फिल्म कर चुके हैं। आप लोगों को याद ही होगा, कोटाला शिवाय की पिछली फिल्म आचार्य बुरी तरह फ्लॉप हो चुकी थी। आप लोगों को क्या लगता है, NTR-30 से कोटाला शिवाय एक अच्छी कमबैक कर पाएंगे या नहीं? यस और नो में कमेंट में जवाब दीजिए। इसकी रिलीज डेट 2023। नंबर 2 पे प्रोजेक्ट के, एंजी सलीमा पे एक साइंस एक्शन मूवी होने वाली है, जिस फिल्म को 550 करोड़ बजट पर बनाया जा रहा है। कमाल की बात यह है कि इस फिल्म की कहानी फ्यूचर वर्ल्ड पे सेट होने वाली है। इस साइंस फिक्शन की लैंग्वेज हिंदी, तेलुगु, एक प्रभास के साथ रोल प्ले करने वाले दीपिका, अमिताभ बच्चन। और इसके डायरेक्शन नाग ऐशवन कर रहे हैं। इसकी रिलीज डेट 2023। नंबर 1 पे थलापति 67, विक्रम जैसे ब्लॉकबस्टर के बाद लोकेश कांद्रा 67 को डायरेक्शन देने वाले हैं। थलापति 67 विक्रम जैसे एक बड़े इंडिया पैन मूवी होने वाली है। ये फिल्म एक गैंगस्टर एक्शन ड्रामा थ्रिलर मूवी होने वाली है। फिल्म में विजय के साथ सुमंता दिखाई देने वाली है और इसके डायरेक्शन लोकेश कांद्रा है। इस फिल्म में विजय काफी मैच्योर रोल प्ले करने वाले हैं। इस फिल्म में और सुमंता कोप का रोल प्ले करने वाली है। और कमाल की बात ये है कि ये फिल्म लोकेश यूनिवर्स की फिल्म हो सकती है। यूनिवर्स ने अभी तक विक्रम खालती जैसे ब्लॉकबस्टर मूवी, आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना।